आपको यकीन हो रहा है कि आपकी बेटी यहाँ तक पहुंच गई है? वो एक शो में आता है ना, मैं कौन सा शो? मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता था मतलब इंडिया के सबसे बड़े शो में इस वक्त यहाँ पर है। मैंने बोला मजाक में, लेकिन झूठ नहीं है। टीचिंग लाइन में आप क्यों आए और कैसे आए? अगर ये कहानी में शुरू करूँ तो मैं अपने बचपन में चली जाऊँगी। तो मुझे ऐसा लगता है जब मैं बहुत छोटी एज में, 5-6 साल की एज में, हम अक्सर ही घर पे वो टीचर स्टूडेंट वाला गेम खेलते हैं, राइट? तो वो कई बच्चों को पसंद आता है खेलना, वो बोर्ड लगा करके, टीचर बन के। एग्जैक्टली। इनफैक्ट जब मैं अपने स्कूल में थी, मे बी अराउंड क्लास 6-7 में जब मैं थी, तभी भी मुझे जैसे बहुत बार ऐसा होता था कि जो मेरे से एक क्लास जूनियर है उनको चीज़ें समझाना बड़ा अच्छा लगता था, और जिनको मैं समझाती थी वो भी बड़ा अप्रिशिएट करते थे कि हाँ दीदी अच्छा समझ में आया टाइप। जब मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म की यहाँ पर, उसके बाद मेरी प्लेसमेंट हो गई तो मैं IT इंडस्ट्री में जॉब करने लगी। मैं विप्रो में काम की हुई हूँ, फिर मैं HP हुलट पकार्ड में मैंने जॉब किया है एज अ क्वालिटी एनालिस्ट। मैं वहाँ पे अच्छा कर रही थी, बट डीप डाउन ना मैं पढ़ाना ही चाहती थी। फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म ही था ना। आई अंडरस्टैंड, आपका फ्री था, लेकिन इन लोगों ने जो आपको अप्रोच किया, आपने उनसे पैसे नहीं लिए? नहीं, नहीं। And I am 100% sure आपको बहुत सारे ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स ने अप्रोच किया होगा जो पेड है, और उन्होंने आपको बहुत बड़ा अमाउंट ऑफर किया होगा। हाँ, रेवेन्यू शेयरिंग तो बहुत लोग ऑफर करते थे। तो आपने वो एक्सेप्ट किया या नहीं? नहीं, 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 आज तक नहीं किया। नहीं, नहीं, हमारे हाउ इज दैट पॉसिबल, क्योंकि एडटेक में मैंने देखा है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, बिकॉज आई एम अवेयर ऑफ कि कहाँ पर क्या चल रहा है, किसने किसको एक्वायर किया, किसको कितनी फंडिंग मिली, और आपने मेरे भी इसमें शो में आपने देखा है, जो गेस्ट आए हैं वो बताते हैं कि उनको कितना पैसा मिलता है और कितना बड़ा बड़ा अमाउंट मिलता है। आई एम श्योर आपको कम से कम भी नहीं तो 10-20 करोड़, 50 करोड़ के कई ऑफर्स आए होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऑफर्स तो आते रहते हैं, अभी भी आते हैं। करेक्ट, बट आप अभी भी एक्सेप्ट नहीं करते? नहीं। आज नहीं, फ्यूचर में भी मैं ऐसा नहीं करूंगी। हाँ, ऐसा तो मैं नहीं करूंगी, वो तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं होगा। ये फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म ही रहेगा। ये जो 11 साल है ना, वो कुछ ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, फिर ऐसा था। तो मैं चाहूंगी वो वाला पार्ट भी शेयर करना, शायद बहुत से लोगों को उससे भी कुछ जानने को मिले, कुछ सीखने को मिले। क्योंकि जब कभी भी ये वाला पार्ट आता है ना, तो अक्सर ही इस पार्ट के बाद हम इधर ही चले जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है बहुतों के साथ। 2016 के आसपास चैनल वॉज डूइंग प्रिटी गुड, मतलब उस समय के हिसाब से। उस समय जैसे कि इतने ज़्यादा और चैनल्स थे भी नहीं, तो जो हमारी जो ऑडियंस थी ना, वो लॉयल ऑडियंस भी थी। जो 6th में पढ़ रहा है वही 7th में भी पढ़ रहा है हमसे, 8th में भी पढ़ रहा है। हमें सक्सेस स्टोरीज भी सुनने को मिल रही थी लोगों की इधर उधर से। जैसे 2017 में हमारी एक स्टूडेंट थी दीपल जैन, जिन्होंने MP पूरे बोर्ड में ना बायो में वो स्टेट टॉपर थी, और उन्होंने हमारे कंटेंट से सिर्फ पढ़ा था। उनका आर्टिकल आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसमें उन्होंने लिखा था पूरा कि हमने रोशनी मैम से पढ़ा था बायो का कंटेंट। तो मतलब ये ना बड़ी एक, आप समझ रहे हो ना, एक अलग लेवल की। मुझे भी बड़ी खुशी होती है जब कोई आकर के इस तरीके से बोलता है कि भाई आपको मैंने देखा और वहां से मेरे को ये स्पार्क मिला, वहां से मुझे इंस्पिरेशन मिली और आज मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो मुझे अपनी सक्सेस से ज्यादा उसकी सक्सेस में खुशी होती है। क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अगर कोई 5 भी ऐसे बच्चे हैं ना जिनका लाइफ हमारे कंटेंट की वजह से बिल्कुल बदल गया, तो भी वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वो जो 5 लाइफ्स हैं, वो भी आगे जाके बहुत लाइफ्स को बदल सकते हैं, राइट? बिकॉज दे आर गेटिंग एम्पावर्ड दैट वेज। तो इस तरह से हमारी जर्नी चली। 2016 में हमें काफ़ी रिकग्निशन भी मिलने लगे, जैसे कि हमें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से रिकग्नाइज किया गया कि आपने उस समय 5,000 से ऊपर कॉन्टेंट बन चुका था, कि आप 5,000 प्लस वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रहे हो। तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने हमें रिकग्नाइज किया। इनफैक्ट मुझे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी 100 वुमेन अचीवर्स ऑफ इंडिया मिला था 2016 में। बहुत बढ़िया। तो मतलब अभी देख रहे हो ना, अभी ये मतलब अभी जर्नी ऊपर जा रही है। अच्छा वाला चल रहा है, मतलब बहुत अच्छा हो रहा है। फिर घर पे भी सब खुश है कि मतलब अच्छा हो रहा है, मतलब मैं भी खुश हूँ, एवरीथिंग इज ऑल गुड। 2017 के बाद क्या हुआ, जैसे जैसे अब मेरी फैमिली लाइफ में आई वेंट थ्रू माई मैटर्निटी, मेरी लाइफ की अपनी एक मतलब जो भी पर्सनल ऑब्स्टिकल्स वगैरह आए, तो मैं उतना कंटेंट बना नहीं पाई उस समय। मतलब आई कुड नॉट प्रोड्यूस सो मच ऑफ कंटेंट, क्योंकि नॉर्मली मेरे चैनल पे ना कंटेंट का वॉल्यूम हमेशा बहुत हाई होता था। अब क्या हुआ, आई वॉज इन अ फिक्स, क्योंकि मेरे पास टीम तो है नहीं। तो अगर मैं नहीं बना रही हूँ तो चैनल खाली है, कुछ नहीं जा रहा है।
Meanwhile, somehow, वो वाला जो टाइम था ना, वो 2017-18 जैसे शायद आप लोगों को भी पता हो, उस दौरान बहुत सारे लर्निंग चैनल्स आ गए, जिनमें से बहुत से चैनल्स आज की डेट पे बड़े बड़े एडटेक्स भी बन चुके हैं। वो वाला ही फेज था जब जियो का भी पेनेट्रेशन हो चुका था, तो इंटरनेट की जो एक्सेसिबिलिटी है वो भी बढ़ गई थी, बहुत लर्निंग चैनल्स आ गए थे, तो बेसिकली कॉम्पिटिशन काफ़ी बढ़ गया था। बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी दिख रहा था कि मेरा चैनल का जो ग्राफ है ना वो नीचे जा रहा है, वो मुझे दिख रहा था। बट आई वॉज नॉट हैविंग अ चॉइस एट दैट टाइम, मतलब मेरे पास कोई चॉइस नहीं था क्योंकि मेरे पास और तो कोई था नहीं बनाने के लिए। तो वो जो फेज था ना, सच पूछो तो इट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग, डिसहार्टनिंग, डिस्करेजिंग, क्योंकि मतलब आप समझ रहे हो ना कि आप यहाँ से यहाँ गए थे, उसके बाद आपको दिख रहा है कि वो नीचे आ रहा है। तो वो जो टाइम है ना, दैट इज द टाइम आई थिंक वी नीड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, जब हमको ये सोचना है कि वॉट नेक्स्ट, मतलब मैं आज तो कुछ नहीं कर पा रही हूँ फॉर वॉट एवर रीजन, बट मुझे आगे क्या करना है। तो मैं इस बात के लिए बहुत ज़्यादा डिटर्मिन थी कि ठीक है, ये एक मेरा फेज है, बट मैं वापस आऊँगी, और जब मैं वापस आऊँगी तो मैं ऊपर ही जाऊँगी। तो मुझे ऐसा करना है जिससे बच्चे मेरा कॉन्टेंट देखें, राइट, वरना तो वो डिस्कवरी नहीं कर पाएंगे मुझे कि मैं कहाँ हूँ, मैं खो जाऊँगी भीड़ में। तो मैंने उस समय थोड़ा पॉज लिया, थोड़ा टाइम दिया, थोड़ा सोचा, और इस बार मेरा फोकस था कंटेंट कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैं कंटेंट का क्वालिटी ऐसा दूंगी कि लोग कहेंगे कि पे करके भी हमें ऐसा कंटेंट नहीं मिला। सोचो कितने राजा महाराजा, कितने लोग, कितने आए कितने गए, कोई याद है क्या? बट आज इन्होंने जो शेयर किया है यहाँ पर, आई मस्ट से दैट के यू विल बी रिमेम्बर्ड फॉर एवर। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी इस बात को याद रखना, एक दिन ऐसा होगा जब इस दुनिया में मैं नहीं होगा, आप नहीं होंगे, लेकिन ये वीडियो हमेशा हमेशा के लिए रहने वाली है। करेक्ट, यू विल बी देयर फॉर एवर, यू विल बी देयर एज एन इंस्पिरेशन फॉर जनरेशन टू कम, अगर आप अपनी इस बात पर टिक पाते हैं जो बात आपने कही है। वैसे तो मैं देख पा रहा हूँ आपके अंदर वो जो कन्विक्शन है, आपकी आंखों में नजर आ रहा है कि ये जो कन्विक्शन है आपके अंदर कि 100% आप कह रहे हो कि फ्री है तो फ्री है, अगर इस पर आप टिक पाते हो तो बहुत कमाल।